बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ हुआ सवाल, और इसी वैल्यू से किया है उन्होंने। 410 स्टूडेंट्स एट कैनेडी हाई स्कूल, 240 स्टडी स्पेनिश एंड 180 स्टडी फ्रेंच। इफ 25 स्टडी नाइदर लैंग्वेज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी बोथ? तो यूनिवर्सल तो हो गया 410 आपका, स्पेनिश हो गया 240, फ्रेंच हो गया 180, और नाइदर का मतलब क्या होता है? डैश। फ्रेंच यूनियन स्पेनिश का डैश किसके इक्वल है बच्चों? 25 के, 25 के। ओके, हमें चाहिए क्या? पहले तो देखो, बेसिकली इन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी बोथ। बोथ बोले तो हमेशा इंटरसेक्शन, लेकिन इंटरसेक्शन कैसे निकलता है? एफ प्लस एस माइनस एफ यूनियन एस, ऑफकोर्स ए यूनियन बी। तो फ्रेंच यूनियन स्पेनिश हम बात कर रहे हैं, तो ए यूनियन बी तो है ही नहीं डाटा में। आपके पास यूनिवर्सल है, ए बी है, ए यूनियन बी का डैश है। तो देखो, ए यूनियन बी इस तरह से भी तो निकल सकता है, यूनिवर्सल में से क्या माइनस कर दो, ए यूनियन बी का डैश। यानी कि यहाँ जाहिर है ऑफकोर्स ए यूनियन बी से मुराद फ्रेंच यूनियन स्पेनिश। कैसे निकलेगा? यूनिवर्सल है मेरा 410, और ये नाइदर का मतलब हमेशा क्या होता है? डैश। 410 में से माइनस कर दो 25, ये हो गया 385। वाह, एक काम तो ये हो गया। और फ्रेंच वाले और स्पेनिश 240 प्लस 180 माइनस 385, तो सब कुछ कट कट आके एंड में आंसर आ जाएगा बच्चों 35। 35। और अगर डायग्राम में देखो तो ये कुछ ऐसे सिचुएशन होगी, ये 35 कहाँ आएगा? यहाँ। और ये जो नाइदर वाली वैल्यू होती है कहाँ आती है? ये फ्रेंच और स्पेनिश के भी बाहर, यहाँ पे। ठीक है जी,